दोपहर 3 बजे के भोजपुरी समाचार में अपने के स्वागत बा। नमस्कार, हम अफरोज। सबसे पहले प्रमुख समाचार। बैलेख के गुरास गांव पालिका मंगरा में माइक्रो दुर्घटना भैया से 3 जने के मृत्यु, 11 जने घायल। प्रधानमंत्री ओली अभी भी एक हफ्ता अस्पताल में ही रह के डॉक्टर द्वारा जानकारी, 10 दिन बाद ही नियमित काम मिलौती हन। बिहान खाली रहल 52 पद खातिर उपनिर्वाचन होगी, 5,552 कर्मचारी मतदान स्थल में खटल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अप्रत्याशित रूप में अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ घानी से भेंटवार्ता। 13वां दशमी 46 खेलकूद प्रतियोगिता के मार्च पास में नेपाल के झंडा, क्रिकेटर पारस खड़का बोकी हम। अब पूरा समाचार। दैलेख के गुरास गांव पालिका 4 मंगरा में माइक्रोबस दुर्घटना भइल बाटे। दुर्घटना में 3 जने के मृत्यु भइल बाटे। सुर्खेत से दैलेख जा रहल V1-10-29 नंबर के हाइस दुर्घटना में 3 के घटनास्थल में ही मृत्यु भइल। जिला प्रहरी कार्यालय दैलेख जनावले बा। प्रमुख जिला अधिकारी युवराज कटेल के मुताबिक दुर्घटना में 11 जने घायल भइल बा। घायल सबके दैलेख के विभिन्न अस्पताल में इलाज हो रहल बा। शिक्षण अस्पताल महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियोथेरासिस वास्कुलर एंड ट्रांसप्लांट सेंटर में इलाज करा रहल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली अभी एक हफ्ता अस्पताल में ही रह के डॉक्टर बतौले बालो। आज पत्रकार सम्मेलन करके इलाज में शामिल डॉक्टर सब प्रधानमंत्री 10 दिन बाद नियमित काम में लौट सके के जानकारी दिलक। वैसे ही डॉक्टर सब अपेंडिक्स के ऑपरेशन बाद ICU में इलाज करा रहल प्रधानमंत्री ओली के मंगरा बुध के दिने 2 बेर डायलिसिस कैल भी जनौले बा। पत्रकार सम्मेलन में प्रधानमंत्री के निजी डॉक्टर डॉक्टर दिव्या सिंह प्रधानमंत्री ठोस खाना खा रहल जानकारी दिली। प्रधानमंत्री ओली सामान्य रूप में चल रहल भी डॉक्टर सिंह बतौली। आज सम्माननीय प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओलीजीको पेटको अपरेसन भएको, आज त्यसको दिन पुरा भएको छ। उहाँको स्वास्थ्य अवस्था सुधारोन्मुख रहनुका साथै उहाँको फिजिकल र बायोकेमिकल मापदण्डहरूमा अपेक्षाकृत सुधार देखिएको छ। उहाँलाई सलिड आहारहरू मुखबाट दिन थालिएको छ र उहाँले आहार राम्रोसँग टलरेट गर्न थाल्नु भएको छ। साथै उहाँको मोबिलाइजेसन पनि सुरु भएको छ। 12 वर्ष पहिले किडनी फेरवावल प्रधानमन्त्री ओलीकी अभि किडनी काम गरेको छोडा बाद डायलासिस होते आइल बा। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली निकट भविष्यमै उच्च स्तरीय रुसी नेतृत्वसे नेपालके औपचारिक भ्रमण होकेके विश्वास व्यक्त कैले बानी। एक हप्ता लम्बा रुस आ सर्बियाके भ्रमण पुरा करके स्वदेश लौटेके क्रममे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमे पत्रकार सम्मेलन करके परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली बहुत जल्दी उच्च स्तरीय रुसी नेतृत्व से नेपाल के औपचारिक भ्रमण होके के विश्वास व्यक्त कैनी हा। परराष्ट्र मंत्री गेवाली राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारिया प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली से रूसी उच्च नेतृत्व के नेपाल भ्रमण खातिर पठावल औपचारिक न्यौता रूसी समकक्षी सर्वाई लाभ्रोव मार्फत बुझाओल भी जानकारी देहनी। छलफलको क्रममा मैले सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले रूसी समकक्षी महामहिम राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन र सम्मान्य प्रधानमन्त्रीले त्यहाँका प्रधानमन्त्री महामहिम दिमित्री मेदेभलाई नेपाल भ्रमणका लागि पठाउनु भएको निमन्त्रणा पत्र हस्तान्तरण गरे र म स्वयंले श्री सर्गेई लाभ्रोभलाई आसन्न सगरमाथा संवादमा समेत भाग लिने गरी नेपाल भ्रमणको लागि आमन्त्रण गरेको छु। परराष्ट्र मन्त्री गेवाली रुसमै रहल समय नेपालके जलविद्युत विकास निर्माणके क्षेत्रमै लगानी गर्ला आग्रह कैल जानकारी कराउने। चितवन में शनिचर के होखे वाला उपनिर्वाचन के तैयारी पूरा भइल बाटे। उपनिर्वाचन होखे वाला स्थान में कर्मचारी सुरक्षाकर्मी परिचालन कैल गेल बाटे त मतदाता समेत उत्साहित बा। निर्वाचन के संपूर्ण तैयारी पूरा भइला बाद चितवन के मतदाता सब अगहन 14 गते के प्रतीक्षा में रहल बा। बीतल दिन में जनप्रतिनिधि सबसे कैल काम के निरंतरता देवे के खातिर नया जनप्रतिनिधि छाने खातिर मतदाता उत्साहित बनल बा। अब विश्वास गर्ने हो, यहाँभन्दा अगाडि पनि त्यही भनेरै भोट हाल्यो। अब हामीले त अब भोटर हो, एउटा कुनै राजनीतिकै पनि होइन। अनि अब विश्वास चाहिँ छ सर, विश्वास चाहिँ लाग्छ गर्नुहुन्छ होला जस्तो लाग्छ।
चितवन के दुगो स्थानीय तह के तीन गो वार्ड में निर्वाचन होके लगला पर भी भरतपुर सोलह के विशेष रूप में देखल गई बा। ई वार्ड में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल के निर्वाचन क्षेत्र भइला के कारण भी नेकपा के प्रतिष्ठा से जोड़ के देखल जा रहल बा। निर्वाचित होके आवेला जनप्रतिनिधि से नागरिक सब विकास के आशा कैले बा। शायद विकास के बजेट जस्ता पुल आई रह पर्यावरण के कुरा आई आंध्र पर्यटन के कुरा आई कालोपत्री के कुरा आई अभी रिंग रोड के कुरा आई अवधारणा है प्रत्येक 10 किलोमीटर में पुल का कुरा आई रहता योजनाबद्ध हिसाब से शायद हमारा प्रतिनिधि शायद जुनसुक पार्टी का हो। उपनिर्वाचन में चितवन के 13,284 जने भोट में शामिल हो रहा बा। भरतपुर सोर में ही 8,481 मतदाता रहल बाटे त खैरहनी नगरपालिका के वार्ड नंबर 4 और 5 में 4,800 मतदाता रहल बा। उपनिर्वाचन के खातिर कर्मचारी सहित के जनशक्ति मतदान केन्द्र में खटाओल जा चुकल बा। उपनिर्वाचन को तैयारी सब तो अब तैयारी सकिसके हमें अब फिल्म में आइसकेको छ अहिले तपाई हामी उभिएको ठाउँ मतदान केन्द्र हो हाम्रो कर्मचारी मतदान को लागि फिल्म में खटेर आइसक्नु पर्छ उहाँले आधार भोलि परिचय पत्र बाड्नु हुन्छ सर्वदलीय बैठक गर्नुहुन्छ भोलि मतदान केन्द्र निर्माण गरेर पर्सि निर्वाचन गराउनुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले तयारीको सम्पूर्ण पाटाहरू गरेर उहाँहरूलाई फिल्म में पठाइसकेको छ उहाँहरू फिल्म में आइसक्नु भएको छ। उपनिर्वाचन के शान्तिपूर्ण भयरहित वातावरण में सम्पन्न गरेको खातिर निर्वाचन आयोग सबसे अपील कैले बा। चितवन से आनंद पोखरेल की रिपोर्ट। चितवन मेडिकल कॉलेज विद्यार्थिक मांग पूरा भइल कहत आंदोलन के सब कार्यक्रम फिर्ता लेके पठन पाठन के वातावरण बनावला आग्रह कैले बा। कॉलेज के प्रबंध निर्देशक प्राध्यापक डॉक्टर हरिश्चंद्र नेउपा ने विद्यार्थी के मुख्य मांग ही सरकार से भइल दुबोधे सहमति पूरा कैला से पठन पाठन के वातावरण तैयार करला विद्यार्थी सबसे आग्रह कैले बानी। प्राध्यापक डॉक्टर नेउपा ने समस्या के दीर्घकालीन समाधान निकाले के प्रयास के सकारात्मक रूप में लेवेला आ केहू के उत्साहट में लाग के भविष्य बर्बाद ना बनावेला संबंधित सब में अनुरोध समेत कैले बानी। कलेज पैसा समायोजन के प्रक्रिया भी शुरू कैल समेत नेपा ने बताउने। हामीले सबै पैसा ब्याङ्क ब्याङ्कमा हालेको थियो हाम्रो कहीँ यताउता केही भएको छैन र हामीले ट्याक्सको अडिटमा तपाईँले हेर्नु पऱ्यो ट्याक्समा हामीले अडिटमा सबै कुरा देखिहाल्छ त्यसले हामी त्यही सफ्टवेयरबाट तुरुन्तै निकाल्न मिल्छ। मेडिकल कलेज विद्यार्थी आंदोलन के कारण विश्वविद्यालय के आवश्यक काम कार्रवाई अगाड़ी बढ़ावे नहीं सकल। सरकार नीतिगत आ प्रक्रियागत इलाज के व्यवस्था करे ना सकला से किडनी रोगी निःशुल्क डायलिसिस सेवा प्रभावकारी होखे नहीं सकल। किडनी इलाज महंगा भइला से आर्थिक अभाव के कारण पीड़ित अभी भी सड़क में इलाज खर्च खातिर बिलौना कर रहा बा। मृगौला पीड़ित के अभिभावक सब ई दुगो व्यक्ति उपचार के खातिर सबसे अपील करत स्वास्थ्य मंत्रालय में भेटाइल बा। 3 बरस से पत्नी और बेटा के डायलिसिस करा रहल उ सब उपचार में भइल झंझट आ आर्थिक अभाव के समस्या खेप रहल बा। समस्या दुटा किडनी फेल भएको छ अनि किडनी 3 लाख रुपैयाँ दिन्छौँ जग्गा बेचेको पैसा थियो अनि दिने मान्छे पाएन अनि त्यसबाट हामीले के गर्यो भन्दाखेरि विदेश पत्र जाँदा सरकारी हस्पिटल जाँदाखेरि यहाँ ठाउँ छैन गङ्गापुरमा लानु भन्यो अनि गङ्गापुरमा लानु भनेपछि गङ्गापुरमा उपचार भइरहेछ। वीर अस्पताल के नेफ्रोलॉजी विभाग में रोजाना 25 से 30 जने बीमार सब निःशुल्क डायलिसिस करावेला। सरकार सबे सरकारी अस्पताल से ई सेवा उपलब्ध कराओ के कहला पर भी जनशक्ति या उपकरण के अभाव में सेवा प्रभावकारी होखे नहीं के सकल। वीर अस्पताल में भइल 29 में से 24 गो मशीन सब ही चलेला। दुगो मशीन के खातिर एगो स्वास्थ्यकर्मी होखे पड़ला पर 4 जने बीमार के 1 गो स्वास्थ्यकर्मी देख रहल बा। विभाग में फ्री में डायलिसिस के खातिर 3 बरस से नाम दर्ता कैल बीमार सब समेत अभिन इंतजार में बा। वर्षेनी 32,000 के दर से किडनी के बीमार सब रहला पर भी सरकार ना तो सेवा विस्तार कर रहल बा ना तो बीमार सब के डायलिसिस खर्च ही बढ़ा रहल बा। नेपाल सरकारले सक्दैन भन्ने कुरो त मैले भने मजाले सक्छ नि नसक्ने भन्ने कुरो भएन नि त्यो चिज किन हामीले बुझाउन सकेन कि उनीहरूले बुझ्न सकेन कहीँ न कहीँ त केही छ नि होइन। अब उहाँहरूको कुरा गर्दाखेरि त हामीले किडनी डिजिजको लागि 1 अर्ब खर्च गरेका छौँ भन्ने कुरा आयो तर त्यो त नेपाली जनताको लागि हो नि त नेपाली जनताले दिएको ट्याक्सबाट तिरेकै पैसा त हो नि कुनै इन्डिभिजुअल त कसैको पैसा होइन। किडनी रोगी के खातिर निःशुल्क डायलिसिस सेवा प्रदान करे के कहला पर भी एकर अवधि या कितना बेर तक ले नीति में स्पष्ट ना होखला से करीब 88% बीमार सब सेवा से वंचित रहल बा। कैमरा में प्रदीप मानसिंह के साथ अस्मिता रिजाल के रिपोर्ट। अब आर्थिक समाचार।
नेपाल टेलिकम राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक में नया खाता खोले वाला ग्राहक के जीएसएम प्रीपेड मोबाइल सिम फ्री में देवे के भइल बाटे। टेलिकम एगो विज्ञप्ति मार्फत नेपाल टेलिकम आ राष्ट्रीय वाणिज्य बैंक बीच सेवा संबंधी समझौता भइल जनौलक। समझौता पत्र में टेलिकम के तरफ से प्रबंध निर्देशक दिलीराम अधिकारी आ बैंक के तरफ से प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरण कुमार श्रेष्ठ सही कैले बाटे। लोग बैंक देशभर के 238 गो शाखा से नया खाता खोले वाला ग्राहक के कंपनी के सिम फ्री में दी। उस सिम में 50 रुपया के टॉक टाइम वैल्यू समेत होगी। अब खेलकूद समाचार। तेरहवा दक्षिण एशियाली खेलकूद प्रतियोगिता सात के मार्च पार्स में नेपाल के झंडा क्रिकेटर पारस खड्का बोके वाला बाड़न। कुछ महीना पहले ही राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान से राजीनामा देहल पारस मार्च पार्स में खिलाड़ी के नेतृत्व करत नेपाल के झंडा बोकी हन। इतवार से औपचारिक रूप में शुरू होखे वाला तेरहवा साग में पारस के ये अवसर मिलल है। राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में वहाँ के नेपाल के विश्व कप तक ले यात्रा तय करवल रहन। साग के उद्घाटन सत्र में करीब 7,000 आदमी प्रदर्शन करे के तैयारी कैले बा। राखेप के मुताबिक उद्घाटन सत्र 3:40 के होगी। दोपहर 3 बजे उद्घाटन सत्र के औपचारिक शुरुआत होगी। साग अंतर्गत पुरुष वॉलीबॉल में नेपाल समूह चरण के दोसर का तथा अंतिम खेल आज भारत से खेल रहा बा। नेपाल के पुरुष वॉलीबॉल टीम समूह चरण के अंतिम खेल में दक्षिण एशियाली वॉलीबॉल के पावर हाउस भारत से खेले लागल है। त्रिपुसर स्थित कवर हॉल में होखे वाला खेल संध्या 5 बजे से शुरू होगी। समूह ए के पहल का खेल में नेपाली टीम बांग्लादेश से हारल रहे। नेपाल के सेमीफाइनल पुगे खातिर भारत पर जीत निकाले के दबाव बाटे। आज होखे वाला समूह बी के खेल में श्रीलंका आ मालदीव्स रात 7 बजे खेले। अंत में प्रमुख समाचार फिर एक बेर। दैलेख के गुरास गांव पालिका मंगरा में माइक्रो दुर्घटना भइला से 3 जने की मृत्यु 11 जने घायल। प्रधानमंत्री ओली अभी भी एक हफ्ता अस्पताल में ही रहे के डॉक्टर द्वारा जानकारी 10 दिन बाद ही नियमित काम में लौटी हन। बिहान खाली रहल 52 पद खातिर उपनिर्वाचन होगी। 5,552 कर्मचारी मतदान स्थल में खटल। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अप्रत्याशित रूप में अफगानिस्तान में राष्ट्रपति अशरफ घानी से भेंटवार्ता। तेरहवा दक्षिण एशियाली क्रिकेट प्रतियोगिता के मार्च पास में नेपाल के झंडा क्रिकेटर पारस खड्का बोकी हन। भोजपुरी समाचार अभी खातिर इतना ही। जनता द्वारा जनता खातिर प्रसारित जनता टेलीविजन के कार्यक्रम सब यूट्यूब ट्विटर और फेसबुक आ हमनी के वेबसाइट jantasamachar.com में भी पढ़ा देख सकत बानी। सूचना में अपने के सहभागिता समय में समाचार हमनी के प्रतिबद्धता। प्रणाम।